हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं काफी देर हो गई ब्लॉग शूट करने में, क्योंकि मैं पहले नाश्ता कर लिया था और थोड़ा सा उसके बाद फिर मार्केट चला गया था काम से। तो मार्केट से आया तो मम्मी ने कहा पंखा वंखा देखो कितने गंदे काले हो गए हैं, सफेद से काले हो गए, तो उसको साफ कर दो। तो उसको मैं साफ किया, उसके बाद अपनी थोड़ी चप्पल गंदी थी तो मैंने उसको भी धो दिया। तो जब मैं ऊपर पंखा साफ करके बैठा था तो अभी दोबारा देख रहा हूँ पंखा इतना साफ सुथरा तो हो गया है, तब भी मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से पंखा पंखा साफ करने के बाद भी। तो जैसी एडिटिंग में कुछ ऐसा पार्ट आया, तो पार्ट क्या है तो मैंने उसमें चाय पीते हुए डाला है, तो मुझे याद आया आज मैंने चाय नहीं पी है। तो मम्मी ने दूध पी सके गई थी तो किचन में जाके देखे हैं दूध रखा हुआ है। तो जल्दी से चाय बनाते हैं और आपको भी पिलाते हैं। अपने किचन में आ गए तो मम्मी ने अपना थोड़ा सा दूध निकाल के गई थी, क्योंकि मैं दूध क्या करता हूँ जब डालता हूँ जो चाय में तो मैं फैला देता हूँ, चक्कर में मम्मी ने थोड़ा सा कप में निकाल दिया है। तो तुम अपना इसमें चाय बना लेना। तो मम्मी अपना थोड़ा सा काम से बाहर गई थी तो मम्मी ने बोला मैं सब्जी काट के जा रही हूँ, आके बना लूंगी। तो आज मेरी फेवरेट सब्जी काट के गई है, ये मेथी की सब्जी। तो आज खाने में मजा आएगी क्योंकि मैं ज्यादा पत्ते की सब्जी ज्यादा खाता हूँ, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, क्योंकि इस चीज को मैं ज्यादा इसलिए खाता हूँ क्योंकि मेरे आईज को अच्छा करता है। मतलब हरी पत्तियां हरी चीजें ज्यादा आपको आईज के लिए बेहतर है, आपके लिए बॉडी के लिए बेहतर है। तो चीजें मैं गर्मियों में ज्यादा खाता हूँ, तो आपको मेरे गर्मी वाले ज्यादा ब्लॉग में आपको यही पत्तों वाली सब्जी ज्यादा देखने को मिलेगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, मेरी आईडी मेंशन हो रही होगी साइड में और डिस्क्रिप्शन पे भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। तो मुझे प्लीज फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं बेहतरीन ऐसे ऐसे रील डालता रहता हूँ, कॉमेडी डालता हूँ, कुछ सैड रील डाल देता हूँ या फनी कॉमेडी दोनों एक साथ डाल देता हूँ। तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा और उस पर बड़ी बड़ी रील पे कमेंट करिएगा और ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा। जल्दी से मैं चाय अपनी फिनिश करता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा और ज्यादा एडिटिंग बाकी है, तो एडिटिंग कंप्लीट करके आज ब्लॉग अपलोड करना है मेरे को। आज ब्लॉग नहीं अपलोड किया तो मैंने तो कई लोग ने बता दिया मैंने आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, तो उनके टाइम तो खराब नहीं कर सकता मैं। तो आज मुझे ब्लॉग जल्दी से अपलोड करना है तो जल्दी से एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो जल्दी से चाय मुझे फिनिश करनी पड़ेगी। तो चलो चलते। तो अभी मम्मी का फोन आ गया तो जा रहा हूँ मम्मी को लेने, उसके बाद मम्मी को ये घर पे छोड़ के फिर पापा को लेने जाऊंगा। तो जल्दी से जाता हूँ, कॉल आ जाएगा कल क्या रहे हो। तो जल्दी से बाइक निकालता हूँ फिर जल्दी से जाता हूँ मम्मा के पास। तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आप गर्मी का सीजन हो रहा है तो धूप बहुत तेज होती है, चिड़िया बेचारी धूप में इधर से उधर घूमती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भूख लगती है। तो आप ऐसा करिए छांव में ऐसी जगह रखिए, छांव में जहाँ पे चिड़िया देख ले, वो पानी पी ले, थोड़ा सा आके खा ले, जैसे आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो वैसे चिड़िया को भी भूख लगती है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा निकाल के रख दें। मैंने क्या रखा है, छत पे जहाँ छांव है वहां पे एक कटोरी जो होती है ना मिट्टी वाले वो होते कटोरे आते हैं, उसमें चावल रख दिया है और एक मिट्टी वाले भगोने में मैंने पानी रख दिया है। तो थोड़ा सा वो खा भी लेती है, पानी भी पी लेती है, आराम से वहां पे रेस्ट भी कर लेती है। तो मैं सुबह जब आ जाता हूँ छत पे तो काफी चिड़िया ऊपर आ जाती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, वो मेरे घर पे चीची करते आवाज भी अच्छी लगती है। जब मैंने नहीं रखा था मैं एक कुछ जल्दी एक दो चिड़िया दिखा रही थी, वैसे नहीं दिखा रही थी, जैसे मैंने रखना स्टार्ट किया चावल और पानी तब से काफी चिड़िया आती हैं और हम अपना टेरेस पे घूमता रहता हूँ, वो भी अपना साथ साथ घूमती रहती हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, उनको भी अच्छा लगता होगा मेरे लिए भैया कुछ कर रहे हैं। तो आप भी करिएगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने ये बात फॉलो किया है।
आपके लिए बताया था चिड़िया के लिए मैंने वहाँ पे कटोरा रख दिया है, ये वाला है। तो इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं, अपनी चिड़िया आती है, फिर यहाँ पे अपना बैठी रहती है, इस हिस्से में अपना बैठ के घूमती रहती है, और इसमें आके अपना चावल अपना खाती रहती है। और पानी मैंने इस साइड उस पर रखा है, केवल चावल इधर रखा है। तो मैं आपके लिए जो चिड़िया के लिए मैं खाना क्या रखता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें चावल है और थोड़े से गेहूँ के पिसे हुए पीस दिया था, तो वो डाल दिया था, तो ज़्यादा मतलब इतना महीन नहीं पीसा, तो हल्का हल्का जिसमें वो जैसे चावल छूने में लगता है ना चावल है वैसे, वो भी पता चलता है गेहूँ इतना हल्का हल्का पीस दिया क्योंकि उनके गले में लगे ना, चक्कर में मैंने चावल भी और गेहूँ थोड़ा पीस दिया है, तो उनके लिए भी सही रहेगा, उनको कुछ नहीं होगा, अपना यहाँ खाएंगी बैठेंगी वो जाए करें अपना बैठें खाएँ जाएँ, तो जो बैठी रहती है ना खा पी के अपना बैठ जाती है यहाँ पे, चू कुड़ गुड़ जो उनकी आवाज़ वो सुनने में और अच्छा लगता है, काम भी करते रहते हैं उनकी आवाज़ भी सुनते रहते हैं, मनोरंजन भी होता रहता है मेरा साथ में। तो डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी है वो मुझे लेके आनी है, तो मैंने काफ़ी देर हो गया मैं गया नहीं क्योंकि दोपहर में धूप थी, मम्मी से बोला मैं जा रहा हूँ लेके आता हूँ, मम्मी कहीं नहीं धूप में नहीं जाना है अभी तुम्हारा सर दर्द होने लगेगा फिर तुम लेट जाओगे आराम, तो शाम को जब धूप ढल जाएगी तब तुमको जाना है दवा लेने, तो मैं जाता हूँ जल्दी वरना दवा नहीं लेके आओ देर हो गई, तो मेरे को जो डांट पड़ने वाली है ना भयंकर डांट, तो इसलिए मैं जाता हूँ दवा लेके आता हूँ। तो मैं अभी दवा लेने आया था मम्मी का, तो यहाँ मेडिसिन मिली नहीं मुझे क्योंकि वो बोल रहे हैं परसों ले लेना शाम टाइम, तो अभी एक बार जगह पता करता हूँ फिर मैं घर चला जाऊँगा, फिर देखता हूँ मम्मी जो बताएंगी उस हिसाब से मैं करूँगा, और जो मैं कपड़ा पहना हूँ वही घर वाले कपड़ा पहन के वही शॉर्ट्स पहन के आ गया हूँ, और ये मेडिकल शॉप है हमारी मेडिसिन हाउस, तो यहाँ मिली नहीं दवा, तो देखता हूँ दूसरे के जाके चेक करता हूँ वहाँ मिल जाती तो सक्सेस, नहीं तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। वहाँ पे मेडिसिन है वहाँ जगह पहले जगह मेडिसिन नहीं मिली, तो मैं सोचा दूसरी जगह चला जाऊँ वहाँ मेडिसिन मिल जाएगी, वहाँ पे भी नहीं मिली, तो जहाँ पहले वाली जगह पे गया था वो परसों शाम को मिलेगी, जहाँ दूसरी जगह क्या वो बोला आपको कल शाम को मिलेगी, देखते हैं कौन जगह पहले मिल जाती है मैं वहाँ से ले लूँगा फिर दूसरी जगह मना कर दूँगा, अब दवा मुझे मिल चुकी है अब मैं नहीं लूँगा, बेचारी आ रहा है बहुत बड़ी क्योंकि अंकल थोड़ा सा मार्केट से सामने दुकान पे चले गए तो बेचारी भौंक रही है आप क्यों चले गए मेरे को बिना छोड़ के क्यों चले गए, तो एड्रेस तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा दुकान तुम चले गई फिर नुकसान कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं अभी दवा लेने जब गया था तो गाड़ी 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था मैं क्योंकि मोड़ आया था तो 30 की गाड़ी स्पीड से थी, तो उसके बाद अचानक से एक डॉगी सामने आ गया और मेरी पीछे वाला टायर वैसे स्लिपरी हो गया, तो मैं बताया अब तो मैं गिरा या मैं बच गया 50-50% चांस थे मेरे, तो चलो भाई मैं बच गया, मैंने गोप्रो होता मेरे पास तो मैं आपको दिखाता कैसे वो मैं बचा हूँ, पिल्ले कुत्ते को भी बचाया मैंने और अपना खुद को भी बचाया, मेरी गाड़ी कैसे नाच गई है पीछे वाली और रोड पे निशान भी बन गया जो मेरे टायर से घिसा है मेरा, तो बस भगवान की मेरी दुआ है भगवान ने मुझे बचा लिया, तो थैंक यू गॉड्स। तो अभी मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने मम्मी से पूछा आप क्या खाओगे, तो मम्मी ने कहा यार ले जा ले आओ या पॉपकॉर्न भून लो कुछ भी भून लो या कुछ भी ले आओ, तो मैंने कहा यार पॉपकॉर्न भी भून सकते हैं, तभी पापा ने बोला तुम ले आओ ले चना हम ले चना खाएंगे, तुमको जो खाना है वो तुम बना के अपना खा लो, तो मैं सोचा अपने लिए क्या बना लूँ, मैं सोचा पास्ता बना लूँ या मैगी बना लूँ, तो मैंने कहा 7 बज चुका है तो 7 बजे मैं खाऊँगा बनाऊंगा, 7:30 बज जाएगा तब तक खाऊंगा, फिर 8 बजे खाना है आधे घंटे बाद फिर खाना हो जाएगा, तो क्या बना करूँ इस चक्कर में मैंने नहीं बनाया, तो याद आया ओवन के ऊपर देखा मैंने टिफिन में क्या रखा है, फिर टिफिन जैसे खोला याद अच्छा पोहा भी रखा है, तो मैंने कहा यार वो अच्छा बात हो गई याद नाश्ता सुबह का रखा है वही खा लेता हूँ पोहा, तो उसमें क्या क्या मिला के लाया हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ, तो मैंने पोहा में अपनी दाना तो आपको दिख नहीं रहा होगा मैंने सेम और मटरी मिला के ले आया हूँ और साथ में स्पून, और इसमें मैं सॉस मिलाऊंगा बिना मैंने टोमेटो सॉस डाले मुझे मज़ा नहीं आता, और जो मैं टोमेटो सॉस केवल ना मैगी का यूज़ करता हूँ कि मैगी का ही मुझे टोमेटो सॉस पसंद आता है और किसी कंपनी का नहीं, तो मेरा नाश्ता रेडी हो गया सॉस डाल के जो अधूरा था जो सॉस नहीं डाला तब अब सॉस डल गया है, तो पूरा हो गया मेरा नाश्ता और घर की सेम और मट्टी डालने के बाद और भी अच्छा लाजवाब लग रहा है मेरे को, मुँह में अभी से पानी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरे को जी अभी तो तुरंत करा मैं अभी ब्लॉग करते करते खा लूँ, तो जल्दी से मैं नाश्ता करता हूँ, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, चलिए बाय।